हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। बिग बॉस सीजन 16 में हर दिन रिश्तों की इविक्शन बदल जाती है। सोमवार के एपिसोड में शालीन और सुंबल बात करते नजर आते हैं, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क के दौरान सुंबल और शालीन भनौट के रिश्ते काफी अलग नजर आते हैं, क्योंकि सुंबल शालीन को नॉमिनेट कर देती है। इस बात से शालीन काफी चिढ़ जाते हैं और काफी खफा भी हो जाते हैं और वो टीना से इसका जिक्र भी करते हैं। बता दें कि 73वें दिन घर में नॉमिनेशन टास्क होता है, जिसमें सुंबल शालीन को नॉमिनेट करती है। सुंबल शालीन को नॉमिनेट करते हुए ये कारण देती है कि वो कान के थोड़े से कच्चे हैं और पलटी भी मार लेते हैं, जो बोलने के बाद पलट जाते हैं। सुंबल आगे कहती है कि सब लोगों के साथ अच्छा बनकर ये बचते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। इस पर शालीन हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नॉमिनेशन से डर नहीं लगता, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है वो देखकर अब आंखें खुल रही हैं। इस पर सुंबल कहती हैं कि आप सच्चाई देखते समय चश्मा लगाना भूल जाते हैं। नॉमिनेट होने के बाद शालीन टीना से सुंबल को लेकर बात करते हैं कि कैसे सुंबल उनकी लड़ाई में फायदा उठाती थी। शालीन टीना को बताते हैं कि सुंबल साजिश से रोते हुए शिकायत कर रही थी कि हम उससे बात करना चाहते और वो नहीं करना चाहती। इस पर टीना कहती है कि अच्छा, जब मैं बाहर गई थी तब सुंबल साजिश से कह रही थी कि मुझे शालीन को लेकर कंसर्न है और मैं उससे जाकर बात करना चाहती हूँ, हालांकि साजिद ने उसे जाने से मना कर दिया। इसके बाद टीना शालीन से कहती है कि जब मैं कहती थी कि मेरा आपका जब भी झगड़ा होता था तो तीसरा उसका फायदा उठाता था, तब आप मुझे इनसिक्योर कहते थे, लेकिन अब आप क्या कहेंगे। इसके बाद शालीन कहते हैं कि हम एक साथ ताकत थे। इस पर टीना कहती है कि तब आपको मेरे लिए लॉयल होना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था। इसके बाद शालीन टीना को थोड़ा मनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी कोशिश आगे बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन वो कहते हैं कि आई एम मिसिंग टीना। वही टीना कहती है कि हम इस पर बाद में बात करेंगे। अब देखना होगा अपकमिंग एपिसोड में कि क्या टीना फिर से मान जाती है, क्या वही केमिस्ट्री टीना और शालीन की नजर आती है। साल 2022 में शाहरुख खान ने बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे कि ब्रह्मास्त्र, रॉकेट्री और लास्टिंग चड्ढा में कैमियो किया। हालांकि 2023 में शाहरुख खान के फैंस उन्हें लीड रोल में पर्दे पर देख सकेंगे। बॉलीवुड के बादशाह के अगले साल यानी कि 2023 में एक नई बल्कि तीन तीन फिल्में पठान, जवान और डंकी रिलीज होने वाली है। बता दें कि पठान को सिनेमाघरों में रिलीज होने में मुश्किल 2 महीने बचे हैं। ऐसे में शाहरुख खान अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म को ग्रैंड तरीके से प्रमोट करने की भी तैयारी कर चुके हैं। शाहरुख के फैन पेज शाहरुख खान यूनिवर्स फैन क्लब के मुताबिक माय नेम इज खान एक्टर फीफा विश्व कप फाइनल में यानी कि फीफा वर्ल्ड कप में अपनी फिल्म पठान को प्रमोट करेंगे। फैन पेज ने ट्वीट पर लिखा, शाहरुख खान पठान को कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में प्रमोट करने वाले हैं। बता दें कि कतर में इन दिनों 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन है। पठान सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन ने लिखा है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम लीड रोल में है और इसे यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। हाल ही में 12 दिसंबर को फिल्म का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज किया गया था। पठान अगले साल 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वाकई ये बहुत बड़ी ट्रीट शाहरुख खान के फैंस के लिए होने जा रही है। अब कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि फिल्म का बजट ही 250 करोड़ का है और अकेले शाहरुख खान ने 100 करोड़ फीस ली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी पर्सनल लाइफ के कारण हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। अब हाल ही में जाह्नवी ने एक इवेंट में शिरकत की, जिसका एक वीडियो सामने आया है। बस फिर क्या था, इस वीडियो के बारे में चर्चा होने लगी। इस वीडियो में वो रूमर्ड बॉयफ्रेंड ओरहान अवाथ्रुमणि का हाथ थामी नजर आ रही है। लुक की बात करें तो जाह्नवी फिटकट गाउन में बिल्कुल जलपरी लग रही थी। जहां जाह्नवी के फैंस उन पर प्यार बरसा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने उनके लुक की तारीफ की तो कुछ ने उनके लुक को उर्फी जावेद की कॉपी बताया है। उर्फी जावेद, मुझे ये पहचान कराने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी उर्फी जावेद को जानते होंगे, उनके ड्रेसिंग सेंस को भी जानते होंगे, उनके स्टाइल को भी जानते होंगे। जाह्नवी कपूर और ओरहान के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलती है। लंबे समय से चर्चाएं थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बता दें कि ओरहान एक सोशल एक्टिविस्ट है। इसके अलावा वो बॉलीवुड स्टार किड्स के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर नए नए पोस्ट शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। वो इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है।
सोशल मीडिया पर तेजस्वी प्रकाश का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड चीखते चिल्लाते मीडिया पर अपना गुस्सा निकालते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी प्रकाश की तस्वीरें और वीडियो लेने की होड़ में पेपराजी के बीच खूब धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद तेजस्वी प्रकाश के बॉडीगार्ड को गुस्सा आ गया और वो गुस्सा मीडिया को झेलना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि जब तेजस्वी प्रकाश ब्लैक लेदर ड्रेस में इवेंट में एंट्री करने के लिए अपने बॉडीगार्ड के साथ निकलती हैं, तो उन्हें देखने के लिए और उनकी तस्वीरें लेने के लिए वहां खड़े कैमरामैन एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। इस दौरान तेजस्वी भी उन्हें संभलने कर फोटो लेने की राय देती है। तेजस्वी प्रकाश की बात की जाए तो उन्होंने नजरअंदाज करते हुए फोटोग्राफर एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी प्रकाश के बॉडीगार्ड उन्हें घेरे हुए फोटोग्राफर से दूर इवेंट में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस धक्का मुक्की को देख वहां खड़ी सिक्योरिटी का भी चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मीडिया को तेजस्वी के सिक्योरिटी पर्सन ने धमकी तक दे डाली है। तेजस्वी के बॉडीगार्ड ने इस दौरान कहा कि मैं मारूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। इस इवेंट में जहां मीडिया और तेजस्वी प्रकाश की सिक्योरिटी के बीच अनबन होती नजर आई, तो वहीं तेजस्वी प्रकाश इस सिचुएशन को बड़े शांति से हैंडल करती हुई दिखी। जानकारी के लिए बता दें कि बिग बॉस के विनर तेजस्वी प्रकाश इन दिनों करण कुंद्रा के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों के बाजार में छाई हुई है। तेजस्वी एक के बाद एक कामयाबी के शिखर पर चढ़ते हुए टीवी इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा रही है। तो ऐसे ही गॉसिप्स के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।